नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी अन्याय के खिलाफ। ये कहानी आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष कथा है, तो आइए सुनते हैं इस कथा को। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोवा आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोवा आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से तो बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वह कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या करे? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वो अपमान से अंदर ही अंदर खोट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह से हिल मिल गया था। लोग उसे अपना दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते और कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाया जा सके। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और भी लोग अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम उस अन्याय से सहने से इनकार करेंगे। यह बात सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों की होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से परवर्तीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छोड़ गए कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी
दो साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही थी तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सर्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाया करती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका ना होने पाए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी को भय ना हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानो कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिशें करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगलों के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। लोगों को बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था। उनसे उनका दुख दर्द नहीं देखा गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारियां नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना की मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उन्हें कहां उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडोल का तो कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गए। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर
अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वह समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की है।